हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट रेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बनते हैं। और मेनली बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अलावा ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको जान करके ही आप ये समझ पाएंगे कि कोई दिया गया जो आपके पास पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। हम लोगों की बात चल रही थी अम्ल और क्षार के लिए, तो हमने ये पढ़ लिया कि अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं, क्या उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। फिर हमने क्षार जाना कि क्षार क्या होता है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इसके साथ ही क्षारों की क्या विशेषताएं होती हैं, भौतिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हमारे पास एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि हम कैसे समझेंगे कि दिया गया जो आपका विलयन है, दिया गया जो भी पदार्थ है वो अम्लीय माध्यम का है या क्षारीय माध्यम का है, यानी वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि आपने नॉर्मली पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो स्वाद में कसैले होते हैं वो क्षार होते हैं। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या हम हर पदार्थ को टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम हर पदार्थ को टेस्ट करके ये बताएंगे कि ये अम्ल है ये क्षार है? बिल्कुल नहीं बताएंगे। समस्या क्या होगी? अगर अम्ल प्रबल अम्ल होगा तो आपकी जीभ जल जाएगी, या प्रबल क्षार होगा तो आपकी जीभ जल जाएगी। तो इसलिए एक हमारे पास एक ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए जिससे हम ये समझ सकें कि दिया गया पदार्थ अम्लीय माध्यम का है या क्षारीय माध्यम का है। तो ऐसे जो भी पदार्थ जो ये बताते हैं कि दिया गया जो आपका पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, वो क्या कहलाएगा? सूचक कहलाता है। ठीक, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम सूचक के नाम से जानते हैं, वो हमारा टॉपिक है आज का, सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर, बात समझिए कि सूचक क्या है। हम बात कर रहे हैं सूचक। अच्छा जी, सूचक है, सूचक का अगर समझिए तो ये है सूचना, सूचना देने वाला। ठीक, कौन है? सूचना देने वाला। अच्छा, किस चीज की सूचना देता है ये? ये सूचना देता है कि विलयन विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये इस बात की सूचना देता है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का अर्थ होता है जो सूचना देता है। अच्छा, अब सूचना किस चीज की दे रहा है? तो सूचना है कि हमारा विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, अब ये कैसे देंगे? ये कैसे देंगे? तो कोई इंडिकेशन होना चाहिए ना। जैसे आप सपोज करिए कि गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर क्या करता है? आपको बताता है कि आपको दाहिने साइड में जाना है या बाएं साइड में जाना है, यही तो बताता है ना। अब इसके लिए जब उस आपको दाहिने साइड जाना होता है तो आप दाहिने साइड का इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो वो ब्लिंक करता हुआ बताता है कि ये गाड़ी इस दिशा में मुड़ेगी। या आपको बाएं साइड में मुड़ना होता है तो आप बाएं साइड का इंडिकेटर ऑन करते हो और उधर उधर की ओर मुड़ जाते हो। ऐसे ही जो सूचक होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, चेंज करके आपकी सूचना देते हैं कि दिया गया जो हमारा विलयन है या दिया गया जो हमारा पदार्थ का है वो अम्लीय माध्यम का है या क्षारीय माध्यम का है। कहने कि माध्यम की अम्लीयता या क्षारीयता के हिसाब से ये पदार्थ अपना कलर बदलते हैं। पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? रंग परिवर्तित करते हैं। रंग परिवर्तित
परिवर्तित करते हैं अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यमों में, क्षारीय माध्यमों में, ठीक। क्या करते हैं, अपना कलर बदल देते हैं। ये कलर बदल दिए, सपोज करिए हमारे पास एक कोई ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय माध्यम में अम्ल के साथ में ये जो है लाल रंग देता है, सपोज करिए, और क्षारीय माध्यम में ये नीला रंग देता है। तो अब ये एक क्या हो गया, इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न पीएच वैल्यू पर, अब पीएच वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन के क्षारीय या अम्लीय माध्यम में अपना रंग परिवर्तित कर, आप इंडिकेटर डालिए, सूचक डालिए, तो सूचक डालने के बाद क्या होगा कि उनका कलर परिवर्तित हो जाएगा। अगर वो कलर परिवर्तित हो रहा है तो वो दिया गया आपका विलयन अम्लीय या क्षारीय जो जिस जो भी होगा वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने, ठीक। तो इसको हम लोग डिफिनेशन में अगर करें तो क्या लिखें कि सूचक वे पदार्थ होते हैं, आइए समझते हैं कि सूचक क्या होते हैं, ठीक। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न विलयनों में उपस्थित होकर विलयन के अम्लीयता अथवा क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अम्ल में वो क्या करते हैं, पदार्थ होते हैं जो विभिन्न में उपस्थित होकर विलयन के अम्लीयता अथवा क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सूचक अम्लता अथवा क्षारकता का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। सही बात है, ठीक है, क्षारकता का मान निकाल मतलब बताने में सहायक होते हैं, ठीक। अच्छा, सूचकों का रंग अम्लीय माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, अब ऐसे ही चूंकि इनका अम्लीय माध्यम में कलर अलग होगा, इसलिए ये आसानी से ये बताते हैं कि आ गया विलयन अम्लीय माध्यम का है अथवा क्षारीय माध्यम का है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं,
कलर परिवर्तित करते हैं या कलर परिवर्तित नहीं करते हैं, माध्यम के हिसाब से डिसाइड, यानी अलग कलर होगा अम्लीय माध्यम में, अलग कलर होगा क्षारीय माध्यम में, अलग कलर होगा। ठीक बात है। अच्छा अब ये देखिए दो प्रकार होते हैं, पहले बात करते हैं सूचक जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और एक होते हैं कौन सा संश्लेषित सूचक या अप्राकृतिक संश्लेषित सूचक या अप्राकृतिक सूचक। बात समझिए, कह रहे हैं कि सूचक दो तरीके का होता है, एक आपका प्राकृतिक सूचक होता है जो कि प्रकृति में पाया जाता है, और एक संश्लेषित सूचक होता है जिसको बनाया जाता है। ठीक है। सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न विलयनों में उपस्थित होकर विलयन के अम्लीयता अथवा क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, सूचक अम्लता अथवा क्षारता का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, कलर बदल करके ये बताते हैं कि दिया गया अम्ल, दिया गया विलयन आपका अम्लीय है अथवा क्षारीय है। सूचकों का रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अम्ल में सकता है, अम्ल में ना हो, तो ये भी एक तरीके से हो सकता है, अम्ल में नीला हो और क्षार में आपका लाल, ये भी एक तरीके का वो रंग परिवर्तन हो गया। तो बेसिकली सूचक होते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं माध्यमों से ये बताते हैं कि आपके विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर आप क्षार से अम्ल की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है क्षार में उनका अलग रंग हो, और जैसे जैसे आप अम्ल की तरफ जाइए वैसे वैसे उनका कलर परिवर्तित होता जाए। तो मुख्यतः ये कलर परिवर्तित करके ही बताते हैं कि दिया गया जो विलयन है आपका वो अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अगला पॉइंट, सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्राकृतिक सूचक और एक हो गया आपका संश्लेषित सूचक या अप्राकृतिक सूचक। अब थोड़ा समझते हैं कि प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट, जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब तक सूचकों से होकर के जाना होगा, इसलिए आज ही हम लोग ये समझ लेते हैं ताकि हमें आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो कि सूचक क्या होता है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, आइए समझते हैं। सूचक दो प्रकार का, प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक। एक हो गया आपका प्राकृतिक सूचक और एक हो गया संश्लेषित सूचक। अच्छा, प्राकृतिक ये मुख्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी पौधे सब्जियां या आपका आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ये मुख्यतः प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। देखिए, कुछ तो प्रकृति ने दे रखा है आपको, जो प्राकृतिक हैं प्राकृतिक होते हैं, और जो क्या बोलते हैं प्रयोगशाला जाते हैं वो संश्लेषित सूचक होते हैं। ये दो सूचक होते हैं कि कौन प्राकृतिक है और कौन सा। ठीक। अच्छा, ठीक समझिएगा, प्राकृतिक
आपका लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। हल्दी भी एक तरीके का क्या प्राकृतिक सूचक है। जरा समझिए कि ये जो प्राकृतिक सूचक हैं इनका कलर क्या बदलता है। ठीक, रंग में और रंग सारी माध्यम में। ठीक, बात को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लिटमस पेपर। लाल और नीला दो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका जो रंग वो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला होगा। ठीक है, अम्लीय माध्यम में नीला होगा। ठीक, अब गोभी का रस, लाल बत्ता गोभी का रस, ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम ये हर जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि दिया गया जो विलयन है वो अम्लीय है जाएगा, और जैसे ही कलर बदलेगा आपको पता चल जाएगा कि विलयन अम्लीय माध्यम से है या क्षारीय माध्यम से है। बात समझ में आई? चलो अगला अगला है हल्दी। हल्दी है, होती है वो भी एक प्रकार की प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति में पाई जाती है और ये और लाल या भूरा हो जाता है क्षारीय माध्यम में। पीला लाल या भूरा हो जाता है। अब आपको समझिए कि आप जो प्राकृतिक रूप से मिलती है यानी जो प्रकृति में जो चीजें उपस्थित हैं जैसे पेड़ पौधों में उपस्थित हैं, जीव जंतुओं में उपस्थित हैं, वो आप क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। और प्राकृतिक सूचक में आपको बताया लाल पत्ता गोभी हल्दी तो मुख्य रूप से है, बाकी लिटमस पेपर और भी आपका प्राकृतिक सूचक में आता है। लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है, लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है, और हल्दी जो है वो अम्लीय माध्यम में पीली और क्षारीय माध्यम में लाल या भूरी हो जाती है। तो आप ये समझिए कि सूचक